इज बॉर्न, इसके ऊपर चिड़िया बैठी है। हमारी ड्राइव जैसा बैठने का, इधर भी ऐसा ट्रेन चलता है, हर जगह ऐसा है। अच्छा है। और ये गेट है, ऐसे रिक्शे में कौन नहीं बैठना पसंद करेगा, सीट बेल्ट भी है। और ये गेट के अंदर प्रवेश करते हुए सब मार्केट एरिया में जाते हुए, और ये वाली टैक्सी एक नंबर है, एक नंबर टैक्सी है। ये जितेश के साथ आया हूँ मैं, ये केरला का है। केरला का है। और ऐसा इधर ई रिक्शा चलता है। सर एक फाउंटेन मिला है ये मार्केट के बीच में, इधर वही, इधर भी सब वही रेस्टोरेंट से बहुत पुराने पुराने, बट मैं उधर ग्रेट कैनेरिया में खाया था तो 75 यूरो खर्च हो गया फोकट का, खाना भी ढंग का नहीं था। इधर ऐसा स्टैचू से दादा ही ऊपर है, ये तो ये भी इंडिया जैसा है। अभी आ रहा था तो मैं पीछे वही रास्ते पे लगाया था, पर्स वर्स बेच रहे थे। उधर भी एक झरना है, बाकी यहाँ ट्रैफिक रूल बहुत फॉलो होता है। ये वाली गाड़ी भारी है, टैक्सी ये भी। और ये एक और आ रहा है, बस इसको काला पीला कर दो तो मुंबई का ऑटो रिक्शा बन जाएगा। इधर ऊपर जाएगा तो ऐसा आएगा घर, और ऊपर ऊपर बहुत चलना पड़ता है। देखते अभी किधर जा रहे हैं लोग, मेरे को तो पता नहीं। इन लोग के साथ आया था, इन लोग को ही सब पता है, इन लोग 10-10 बार आ चुके हैं। लेट्स सी, धूप बहुत है इधर। एक साथ क्रॉस करते हुए, मतलब ग्रीन सिग्नल हुआ तो सब एक साथ आए। ये अपना ये ऐसा मार्केट लगा ले, वापस जा रहे अभी हम लोग। बाकी ऐसे रास्तों में पटरियाँ बिछी हुई हैं, अब कहीं पे भी ट्रेन जाती है। और इधर सीन हो गया, कुत्ते पागल हो गए। इधर बांग्लादेशी बहुत है। आ जाओ नाम क्या होगा हमारा, पुतले ही बना बना के स्टैचू ही रखे इधर हर जगह। और इधर बैठ सकते हैं मरीन ड्राइव जैसा, वो वाला ब्रिज है, शिप उसके नीचे से जाती है। मैं इसका वीडियो बनाया बट मेरे फ्रेंड के आईफोन से सेंड नहीं हो रहा है, होगा तो वो भी कभी डाल दूंगा। दिख रहा है पहाड़ पे बना है ना पूरा, ऐसे अपने यहाँ पार्लियामेंट ये सब है, इधर ये ऐसा बना है। वापस जा रहे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे क्योंकि टाइम नहीं था, इधर ही थोड़ा घूम के आ गए। दूसरा शिप आ रहा है दूसरे पोर्ट में, कहाँ था ये मस्त व्यू ऐसा दिखता है शिप के ऊपर से, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। मेरे पास वीडियो है, वही आईफोन वाले लड़के के पास है, सेंड होएगी तो भी डाल दूंगा। लिस्बन आया था मैं पोर्चुगल में,
ये दूसरी बार आया हूँ। जब पहले गया था तो मैं शटल बस में गया था, फिर उसने जिधर उतारा था आधा घंटा लिया, और ट्रैफिक भी बहुत था और लाइन भी बहुत थी बस के लिए। फिर जब मैं वो बस से उतरा, फिर से उसमें ही बैठ के वापस आ गए थे। इसके लिए अभी गया था देखने को, आजू बाजू में गए थे। ये शिप वो एक ब्रिज है बड़ा सा, जैसे मुंबई में सीलिंग है उस वैसा ही ब्रिज है, इसके नीचे से जाती है वाली वीडियो है एक फ्रेंड के पास है। आज मैं फ़ोन लेके जाऊंगा ऊपर, देखता हूँ ट्राई करूँगा, अगर मिलेगा तो वो भी डाल दूँगा इसमें। अच्छा था, एक्सपेंसिव था, बाकी इतना कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि जिधर उतारते उधर से वही रेस्टोरेंट और मार्केट ही रहता है। थोड़ा सा इधर उधर घूमा और आ गया, थक भी गया, चलना बहुत पड़ता है। 1 बजे गया था, 2:30 हो रहे, तो मतलब 1.5 घंटा नज़दीक ही गया था, तब भी 1.5 घंटा हो गया। ठीक है फिर, बाय, गुड नाइट, सोने जा रहा हूँ मैं। मैं बोला था हम लोग ब्रिज के नीचे से जाएंगे, अभी गेस्ट एरिया में, पर इधर था अपने ही बंदे लोग हैं तो मतलब कुछ बोलते नहीं है, वरना फ़ोन अलाउड नहीं है, सीधा D1 मिलता है। D1 मतलब सीधा वार्निंग। बट मैं इधर से वीडियो लूँगा, एक नंबर है बताता हूँ मैं। ये पूरा पहाड़ पे बनाए ले, ऐसा नहीं अपने आप पहाड़ तोड़ के रोड बना डालते, इधर पूरा पहाड़ के ऊपर घर है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है प्राइवेट। और ये ब्राज़ील में क्रॉस है वैसा यहाँ पर बना है, इसका पूरा जैसे इसकी आँखें वो ब्राज़ील वाली है, पूरा मतलब कनेक्ट है दोनों, इधर से पूरा वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में। यहाँ जाना था मेरे को, बट पता है ना टाइम मिलता नहीं अपन को। ये नीचे स्पा है, सब नीचे मतलब प्राइवेट स्पा है, एक दिन का 54 पाउंड। और ये ब्रिज है, इसके नीचे से जाएंगे, सनसेट देख सकते हो यहाँ से, भारी है। तो ये ब्रिज है, इसके ऊपर से ट्रेन भी चलता है, अभी ट्रेन नहीं है। बांद्रा वल्ली सीलिंग वाला नहीं ये ब्रिज, ये दूसरा ब्रिज है। ट्रेन जा रहा है ऊपर से, ये ब्रिटिश फ्लैग इन लोग का और पोर्चुगल का फ्लैग है। इधर पब्लिक नहीं आ सकती क्योंकि ये सिक्योरिटी एरिया है। ये अपना एरिया है तो इधर से हम लोग ही है स्टाफ लोग, नीचे प्राइवेट स्पाई, एक नंबर ब्रिज था। ठीक है जा रहा हूँ, अभी मेरा ब्रेक है, खाना खाने को जा रहा था, एक नंबर ब्रिज आए। और ये सनसेट भारी वाला, जिस दिन मेरा लास्ट दिन रहेगा उस दिन लूँगा सनसेट का। ठीक है फिर, बाय। तो सोचा ये भी कवर कर लूँ।